हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मुजम्मिल ब्रांड। बोल, तू बोल ना, तू बोल। आज हम राधा स्वामी मंदिर जा रहे हैं। सो वेलकम बैक गाइस, एक नए ब्लॉग के साथ आज हम जा रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन पे, जो है काफी ज्यादा आइसोलेटेड, जो काफी कम लोगों को पता है, जो है अखनूर फोर्ट। और साथ में है पांडव की गुफा। और क्या है उसके अंदर बीच, उसके बीच में जाएंगे हम, चिनाब के किनारे जो किनारे है वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे, काफी कुछ देखने को मिलेगा। बनी रही है हमारे साथ और चलो मिलते हैं आपको आगे। चलो गाइस, मिलते हैं आपको। हेलमेट खाली है, चलिए चलो फिर, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। उस्ताद उड़ाना नहीं है यार, तू बुला आया ये आया ना, तो ब्लॉग में उठो उठो भाई साहब। निकल चुके हैं, अब आपको रास्ते के सिनेमैटिक शॉट्स दिखाएंगे कुछ इस तरीके से कि जो आपको पसंद आएंगे। और आज हम लोग लेके जा रहे हैं अपना अपाची RTR 180। देखिए मारो भाई, गाइस हम पहुंच गए हैं रिंग रोड, और यहां से हमें बहुत शॉर्ट पड़ेगा अखनूर। हम पहुंच चुके हैं दलियाल, तो ये देखो बाइक, बाइक रोक के थी हमने, बाइक पीछे से बोल रहे हैं कि धुआं मार रही है। धुआं नहीं मार रही, ये धुआं नहीं मार रही, ये क्या मार रही है? नाइट्रो, नाइट्रो बूस्ट, बूस्ट लगा हुआ है। सत्य यार क्या बाइक चलाता है यार, मैं तेरी बाइक का फैन हो गया। आप हुए हवा में नहीं होगी, चेक करो पिछू, जाओ पिछू, भाई ये जो बाइक है ना, ये कैमरे के बीच में हाथ लगती है। और ये देखो भैया, वाह आपका फैन हो गया मैं। तो लेट हो रहे हैं, तो अभी हम जाते हैं, लेट्स गो। तो गाइस देखो, अब हम लोग यहाँ पे रुके हैं ब्रिज के ऊपर, कितना बढ़िया नज़ारा यहाँ का। ये देखो हमारे उस्ताद चश्मा लगा रहे हैं, ये उस्ताद कैसा लग रहा है आपको? यार बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो ये देखो, ये देखो उड़क विदा। और ये बहुत दिनों के बाद मैंने अपना अपाची RTR घर से बाहर निकाला है, और चेक कर रहा हूँ इसको कहाँ तक जा सकता है। अब हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे फोटोशूट, ये देखो पोर्टफोलियो करा रहे हैं क्योंकि उस्ताद को फिर से एक बार मॉडलिंग में भेजा था, रिजेक्ट होकर आ गया दूसरी बार फिर से इसको, तब उसने दाढ़ी देखी, तब इसको बिना दाढ़ी के वो मॉडलिंग में भेजेंगे, देखता ये क्या करता है। अब रिजेक्ट नहीं हो गया, अब क्योंकि पास हो गया है। चलो ठीक है, चले अभी आगे अखनूर। देखिए आज भी इसी ब्रिज की यही हालत है, यहाँ पे एक साइड गाड़ी रुकती है, दूसरे साइड जाती है। हमारे पास बाइक है तो उसका देखिए कितना बेनिफिट है, हम आगे जाके एक साइड पे रोक लेंगे, आगे जाके रोक ले साइड पे, वो भी अंदर बाट दे। रहा है कि ये ब्रिज बंद हो गया हुआ है, ठीक है बंद है तलवे बंद खोलना अख दा, वेलकम टू अखदानूर अखनूर अखनूर, वो देख ले क्या थे ब्रिज गली बंद है। लगता है भाई लोग ये ब्रिज बंद किया उन्होंने, अख तो नूर तो है लेकिन उन ब्रिज बंद है। ये इधर यार दूसरे ब्रिज उधर लिए यार, ये बंद कितने कितने जा रहे हो पीछे रास्ता। तो यहाँ से हमने लोकल से पूछा है कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये ब्रिज बंद रहता है, टाइम हुआ है 5 मिनट बचे 1 बजने को,
तो 1 बजे ब्रिज खुल जाएगा जी। फिर हम लोग जाएंगे आगे। अच्छा नहीं जरूरी है कि पानी ना 5 मिनट बची है नहीं 5 मिनट ये अंकल वो निकल गया वो दुआ बूढ़ा चाचा वो उल्टा मार दिया तू सुन दे तू क्या ना ना इंदा काम है तुलसी का हां जी साडा 12 तो एक काम है ऐ ठीक है बंदे ये पीएच ए पोसी कैसे रह गया जी मैं दो हां दो मेरे चार होंगे अच्छा आज दे दो एक क्लास है वो सीए सुनना हां इन्हें चुन 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 नहीं फुल थोड़े ने आज ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਜੇ ਉਹ ਚਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲਾ ਜਿੱਲਾ ਬਣੀ ਇਸੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਆ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਰੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਇਧਰ ਬੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰ ਖਾਈ ਤੇ ਬਾਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਪਸੀ आ गई भैया आ गई रेडी। ये देखिए ब्रिज खुल गया पूरे 1 बजे ये ब्रिज खुल चुका है तो देखिए दोनों साइड से ट्रैफिक आ रही है। तो भाई लोग ये आ गई अखनूर की पार्क जो चनाब के किनारे है। चलते चलो साथ हम लोग पहुंच गया फोर्ट के पास। ये सामने उसके पीछे ना अल्टो पीछे उधर अंदर वाला ओ चला ये पुलिस स्टेशन है उसके साथ ही फोर्ट का रास्ता गया। ये फोर्ट की स्ट्रीट गड्डी चला एंड भी जड़ा है घूमता नहीं है गड्डी 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 स्टार्ट कर मैं चला पैदल अगर ही मैं पैदल चला वो देखिए हमारा नेशनल फ्लैग कितना बढ़िया लहरा रहा है। तो आपको ये फोर्ट का अंदर का बताएंगे हम क्या है क्या नहीं। तो ये तीन जो है गाइस जो हमारी डेस्टिनेशन थी अखनूर फोर्ट तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सही सलामत। देखो ये हमारी एंट्री है तो गाइस ये एंट्री है हमारी ये हमारी सैया ये देखो शॉर्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे और ये उस्ताद फोटो खिंचा रहे हैं और फ्लैग देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलो और ये देखिए और हेलमेट वगैरह हमने फेंक दिए और ये भी है भाई इसका खींचो फोटो ये वो इसका स्लोमो बनाओ इसका स्लोमो सर्वत्ते इज्जत कर। तो गाइज हम बिछड़ गए हैं वो उधर चले गया है वो उधर चले गया है कोई उधर चले गया है कोई वो देखो वो कहाँ पे है उसको देखो ना। गाइज इस साइड जा रहे हैं और देखिए गाइज एक ही चीज है एक मिनट देखने दे यार वो भी देखने है अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रही ये क्या देखने है
तो गाइस ये साथ में पौड़ियां थी और ये पौड़ियां चढ़ के जा रहे हैं हम ऊपर, और ऊपर का व्यू देखेंगे कैसा है। लेकिन ध्यान से सिर नहीं ऊपर टकरा गए, सिर जो मेरा टकरा है। तो गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से सीढ़ियों से, तो आगे ले चलते आपको अगले व्यू पे। वो तो चलो इस व्यू पे, मेरे हाथ में था फोन अगले व्यू पे। ये देखिए झंडा नहीं होने लगा जस्ट यार, जब मैं पहले आया था ना थे तो फ्लैग नहीं लगे रहा, फ्लैग होने लगा जस्ट। अंकल अंकल क्या हाल है, ठीक ठाक जंगल थे यार। मैं हाँ उधर जाइए पढ़ो, ये जंगल देखो इतू पहले थले रास्ता है जनाब का, वो किसी तो भैया। तो गाइस देखो यहाँ पे बोटिंग होती थी, तो आज पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि ये देखो यहाँ की बोट की हालत हो चुकी है, बोट में पानी घुस चुका है। वाह बोट में पानी घुस चुका है, बोट खफे में पड़ चुकी है। हमने हमने सोचा था कि हम यहाँ आके बोटिंग करेंगे, वो देखिए वो कॉलेज से बंक मार के आए हैं। कैंप ने गुजरा दे कुल लेना पेंट कैंप नहीं लग रहा थे। कोई भी इतना राजा के अगेंस्ट जा नहीं सकता, क्योंकि इधर से सबसे सेफेस्ट पॉइंट है ये इस साइड, क्योंकि इस साइड से हमला कोई भी नहीं कर पाएगा कभी भी। अगर एक राजा की सोच से देखा जाए तो इस साइड से कोई हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि चनाब है, चनाब क्रॉस करना बहुत रोका है। तो गाइस कुछ ऐसा व्यू है, लेकिन हमें डर लग रहा है यहाँ पे, आगे रास्ता ही नहीं है यहाँ से ले आए हैं मेरे को, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और बोर्ड तो चल रही है, देखो एक बोर्ड खराब थी तो दूसरी बोर्ड यहाँ पे चल रही है, बोर्ड वो पड़ी है और एक ये चल रही है, चप्पू मार रहा है बोला। तो ये देखिए किले की क्या हालत हो चुकी है, खंडर हो चुका, खंडर हो चुका। लेकिन एक तरह का एक हेरिटेज साइट है जम्मू की, वो तो है ही है भाई। तो इधर देखो वो अभी है बुद्धा की साइड ही मिली हुई है, वो देखेंगे कहाँ पे है। ये तो गाइस ये हमारा जिया पोता घाट है, जिया पोता, जियो पोता, जियो पोता, जिया पोता, जिया पोता यार, देख रहे आप कंबो जिया पोता घाट मंदिर है ना यार, पानी कितना सारा हटा दिखा। ये ऐसा लगा जैसे हम बनारस के घाट का है। हाँ बनारस के घाट है बिल्कुल सही, बनारस के घाट की हुबहू तरह तो नहीं है, लेकिन देखा उससे बेहतर है आई थिंक। पाकिस्तान जाना है विदाउट वीज़ा तो इसमें जा सकता है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो जिंदा नहीं पहुँचेगा पाकिस्तान में। जे लाइफ जैकेट हो तो पहुँचे तो मैं करूँगा, लाइफ जैकेट भी क्या कहना, गोलियां कहना मार देना पाकिस्तान आ रही। बोलिए सर इतू टेक ला पीछे जा वापस, कान देखो इसका गाइस, ट्राई थोड़ा ट्राई कर गाइस, सत्ता जिम जा रहा है, सत्ते के बहुत बाइसेप्स देखो, ट्राइज देखो, एब्स दिखाओ, एब्स दिखाओ, इतने देखा है मेरे, 23 देखो। तो गाइस वो देखो यहाँ से इस साइड से वहाँ लगा दिया, अब उस साइड से फिर यहाँ आएगा।
तो भाई अभी रास्ते में मिलेंगे आपको। अभी हम लोग जा रहे हैं पांडु गुफा, जय महाराज जी का कोटा घाट है। कोटा घाट जिया पोता, जिया पोता घाट है। और सामने उधर पांडु गुफा की रास्ता है। चलो अब हम लोग जा रहे हैं प्राचीन पांडव गुफा की तरफ। तो जिया पोता घाट से ऊपर की तरफ आता है। तो ये हमारी पांडव गुफा, तो लगभग हम पहुंच चुके हैं। तो भाई देखो आप, बनता जे ताहे रे। ओहो, ये रही हमारी किस्मत, पांडु गुफा पे लॉक लगा हुआ है। क्या ही मौसम मैच रहा था, कुछ भी नहीं हुआ, ये बढ़ गया। मतलब कुछ कुछ भी वो साठ साल भी नहीं, मतलब इसको मैंने आखा था। तू आखा भी इसको मैंने आखा था। ये है बस है, देखो फोर्स सिक्योरिटी बड़ी लगी है यहाँ पे। आप देख लो, अगर आपको पता होगा कमेंट करके जरूर बताना क्या चीजें हैं ये। और ये देखो पूरी फोर्स है। और ये फोटो शूट जिधर नहीं उधर ही फोटो शूट चल रहा है। म्यूजियम जाते हैं, हम म्यूजियम में देखते हैं क्या है। गाइस आपने देखा अंदर का, और यहाँ पानी लगा है ठंडा ठंडा, कूल कूल नहीं लगा है, खत्म है। ओ नाथ गई दौड़दा गई, ओ गड़ फड़ ला, ए वेदा उड़दा जा हरी कोटरा का। चल हां जी, जो मैं इधर रख मोड़ते, तू ही हो क्या हो, फिर अस इथे बैठे हैं। हैं कल मैं हरी कोटरा बना, तू ही हो क्या हो, अस इथे बैठे हैं। ये देखना अब हरी कोटरा बनेगा, उड़ दा मुबारक मंडी म्यूजियम। गाइस हम पहुंच चुके हैं मुबारक मंडी, और यहाँ का व्यू देखो माशाल्लाह, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। और ये नया वाला बन रहा है, ये नया वाला बन रहा है ना, ये पूरा बना हुआ है, ये बना है अभी नया। यहाँ पे है क्या म्यूजियम? म्यूजियम म्यूजियम है, मैं पहली बार आया हूँ इधर। भी लगाएंगे यहाँ पे बाइक, कैसा लगा? बहुत गंदी ड्राइविंग की है, अगर ये वीडियो चढ़ाएंगे तो पता चलेगा कब कब वहां थे और कब यहाँ पहुंचे। देखा ये लालो लालो हो गया होना, चल जल्दी कर दो मुंडे चार दे। बताओ कुछ, ये यहाँ पे मुबारक मंडी का म्यूजियम है। यहाँ पे डोगरा आर्ट और कल्चर के पुराने पुराने जितने भी जो लोग यूज करते राजा महाराज उस टाइम के, जैसे बंदूक हो गया उस टाइम की, जो ज्वेलरी थी जो हमारे स्टेट में पहनी जाती थी, सभी का जो बताया हुआ है। मतलब कि मोस्टली यहाँ पे डोगरा कल्चर के बारे में बताया हुआ है। तो अंदर क्या देखेंगे, चलो चलते हैं अंदर यार। अंदर ये गाइस हमारा मुबारक मंडी म्यूजियम। तो ये भाई लोग अंदर से होके आ गए हैं, अब थक चुके हैं पूरी तरह। पुराने चीज़ें थी ना, खेल दे
फील दे रही थी इसको। ये देखो उस्ताद, ये तो हमने अंदर वीडियो बनानी थी तो अंदर वो कैमरा की जो फी थी वो 235 रुपये थी। हमने मुजम्मिल भाई को बोला कि अगर आप ब्लॉग हिट करना है तो खर्च हो गया था 235 रुपये। अगर आप लोगों उनका ब्लॉग अच्छा लगता है तो उनके नंबर पे गूगल पे करना, अगली बार आपको अंदर वाली चीज़ें मिले। डैश डैश डैश। तो ये रहा हमारा म्यूजियम, इसके सामने एक पार्क भी है। ये देखो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है यहाँ पे। ये जाता हमारा सीधा पक्का डंगा, हम लोग जा रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे भाई? अगली डेस्टिनेशन कहाँ पे हमारी? हम जाएंगे अब बाजार। अब हम जाएंगे बाजार। गाइस लेट्स गो। ये हमारे सुशुंदर खड़े हैं दो। ओ वाह। और ये देखो बाहर बाहर बंद है। चलो बैक करो। तो गाइस भैया ने बताया कि इधर से बंद है रास्ता, तो वापस चलना पड़ेगा। इधर से भाटा पिया हमने, भाटा भाटा बोतल की भाटा पी है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो बाजार है भरावा कट ले साइड से गल है। बाइक की हालत देखो क्या होगी। साला सीधा कर गाइस बाइक खराब हो चुकी है। इसके गियर का जो नट है वो लूज होके बाहर आ गया है। इसे मकान में कर, अब इसको अंदर कर रहे हैं। अब थंबनेल बना, थंबनेल ठीक है यार, बाहर निकलना है। चढ़ा चढ़ा ओ गया वहां कंपा। वाह ये लग गया। अब चुप मेरे को। तो गाइस मैं कहना तेरे लिए आया, मैं चुप पे जाना के नहीं हुआ इस लाइन के। तू पे की बदल जाना सवेरे बदल ते आही तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत थक चुके थे इसलिए आगे ब्लॉग बना नहीं पाए। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।